सो हाय गाइस, स्वागत है आपका लाइफ इज मनी चैनल में। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एटलास यू टी सी नाइट्स वर्स गोजो बीसीएस टी10 का माल्टा का टी10 का मुकाबले की मैच प्रीव्यू के बारे में। सारा का सारा एनालिसिस आपको इसी वीडियो में कंप्लेंट करवा के देना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्रोच करवा के चलेगा। आपके लिए सारे के सारे एनालिसिस वीडियो में कंप्लेंट करवा के देने वाला हूँ। अपटर, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अपटर जो फाइनल टीम का अपडेट हो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मैच डिटेल की। मैच डिटेल की बात करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ, आपको सिंपली क्या करना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए। हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, वैसे आपको जो फर्स्ट वाला कमेंट दिखेगा वैसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैच डिटेल की। तो मैच डिटेल की बात की जाए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एटलास यू टी सी नाइट्स वर्स गोजो का मैच प्रीव्यू। दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको डेट की बात की जाए तो 29 नवंबर के दिन मैच स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। और बात करते हैं टाइमिंग की, तो दोपहर के 1 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं टीम गाइड की, दोनों के बीच में मतलब दोनों भी टीमों ने जो लास्ट 5 मैचेस में परफॉर्मेंस किया है दोस्तों, वो आपको दिखा सकता हूँ। तो बात करते हैं गोजो की बात की जाए दोस्तों, पाँच मुकाबले खेले, पाँचों के पाँचों लॉस करवा के आ रही है, पाँचों के पाँचों मुकाबले ये टीम हार कर आ रही है। दोस्तों, वही बात की जाए एटलास यू टी सी की, तो यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने अभी तक देख सकते हो दोस्तों 5 मुकाबले खेले, उनमें से इन्होंने 3 मुकाबले विन करवा के आ रही है, एक मुकाबले का नो रिजल्ट रहा है और एक मुकाबले लॉस करवा के आ रही है। दोस्तों, तो देख सकते हो एटलास यू सी टी की टीम कितनी ज़्यादा गोजो की टीम के सामने स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, नीचे बात करते हैं यहाँ पर वेनू की बात की जाए दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा यम आसरा स्पोर्ट्स क्लब मारसा का आपको ये देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्राउंड। तो बात करते हैं लास्ट रिजल्ट हुआ था इस पर, मतलब बात की जाए लास्ट मैच हुआ था इस पर। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग बैटिंग करते हुए, यहाँ पर AUM ने यहाँ पर 117 रन बनाए थे, 3 विकेट्स खोकर 117 रन बनाए दोस्तों मोस्टली। और बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने RST की टीम ने यहाँ पर 10 ओवर में 65 रन बनाए थे और टीम ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों, देख सकते हो आप सेकेंड इनिंग में टीम का हारने का चांसेस कितना हाई जा सकता है, तो वन साइडेड विन AUM ने मोस्टली विन कर लिया था, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। बात करते हैं इंजरी अपडेट की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा के मिलने वाले, तो मोस्टली आपको सिंपली सर्च करना है मनी इस लाइफ, तो आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, आपको मोस्टली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो कि स्पिनर है ना दोस्तों, स्पिनर ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्टार्टिंग में रन्स भी बनते हुए नजर आएंगे, तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है दोस्तों, ये भी बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा, तो इक्वली आपको हेल्पफुल देखने को मिल सकती है। बात करते हैं स्क्वाड गोजो की स्क्वाड की बात की जाए दोस्तों, आपको देखो मोस्टली देखने को मिल रही है गोजो की स्क्वाड ऊपर के साइड में, इस गोजो की स्क्वाड है। नीचे अगर बात की जाए तो अल्टास यूनिवर्सिटी की स्क्वाड आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते वीडियो में आगे, तो बात करते हैं पॉसिबल इलेवन की अगर बात की जाए दोस्तों, आपको इसमें आपको स्टेट भी मिलने वाले प्लेयर के सारे ओल्ड और सारे के सारे एनालिसिस भी कंप्लीटली करवा के देने वाला हूँ। बात करते हैं मिल्टन डेविसा की बात की जाए दोस्तों, तो 8 मैच अभी तक खेल चुके हैं और रन 98 रन अभी तक बना चुके हैं दोस्तों, और एवरेज स्कोर भी इनका 12 का एवरेज स्कोर देखने को मिला है, और मोस्टली 4 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, तो अभी तक आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं, तो जरूर ट्राई करके चलेगा, लेकिन एवरेज काफ़ी कम है, तो ट्राई करने का मतलब स्मॉल लीग में ट्राई करके चलेगा, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टनशिप चॉइस के लिए बेटर ऑप्शन नहीं रहेंगे। यहाँ पर संदीप साई कुमार की बात की जाए दोस्तों, 8 रन अभी तक बना चुके हैं, 8 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 57 रन अभी तक बना चुके हैं, एवरेज स्कोर इनका 11 का है दोस्तों, और विकेट भी मोस्टली 8 विकेट्स मोस्टली लेके जा चुके हैं, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के हिसाब से। नीचे बात करते हो सैताली राज की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक 6 मैचेस खेल चुकी है, और बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने अभी तक 90 रन्स बना चुके हैं दोस्तों, और 18 का इनका एवरेज है, मोस्टली आपको 3 विकेट्स भी मोस्टली लेके जा चुके हैं दोस्तों, तो ये देख सकते हो इनका प्लेइंग 11 कैसा रहेगा। बात करते हैं नीचे अजीश अंटोनी की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक 8 मुकाबले खेल चुके हैं, 27 रन किए अभी तक, और 4 का इनका एवरेज है, और विकेट्स की अगर बात की जाए दोस्तों, 5 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग की तरफ से, मुझे रिस्की लग रहे हैं। नीचे बात करते हैं इंडिका परेरा, इनकी बात की जाए दोस्तों, तो इनको 19 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 42 रन बनाए, 14 का इनका एवरेज है, कुछ खास परफॉर्मेंस इनका लगा नहीं, तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो इंडिका परेरा को। नीचे बात की जाए तो जोकब की बात की जाए दोस्तों, तो ये देख सकते हो इन्होंने 8 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 16 रन अभी तक बना चुके हैं, और बात की जाए एवरेज स्कोर तो 2 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, विकेट्स मोस्टली नहीं ले जा पाए, लेकिन इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे लगा नहीं, तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। वही अजी विलियम्स की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने 8 मुकाबले अभी तक खेल चुके हैं, 10 रन अभी तक बनाए हैं, एवरेज स्कोर भी कुछ खास नहीं, तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। वही डोमेटिक जुटिन की बात की जाए तो उनका स्टेट मुझे मिला नहीं, अगर मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल को प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ, जुटिस जो खेलते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इनका भी स्टेट दे दूंगा। वही बात करते हैं नीचे आपका टाइम जाया ना करते हुए, तो बात करते हैं दोस्तों एटलास यूनिवर्सिटी की टीम की, अभी डाटा आपको बात की जाए तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन से अविनाश दिलीप की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक दो मुकाबले खेल चुके हैं, 3 रन बनाए, 3 का एवरेज स्कोर है, तो चाहो तो आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो स्मॉल लीग के हिसाब से, मुझे रिस्की लग रहे हैं अविनाश दिलीप। तो बात करते हैं नीचे सैम्बुल की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक 2 मुकाबले खेले, 37 रन अभी तक बना चुके हैं दोस्तों, तो मोस्टली आप बेटर पिक बन सकते हो, तो ट्राई जरूर करके चलिएगा, क्योंकि ये प्लेयर है ना दोस्तों, तो अच्छी खासी हार्ड हिटिंग भी कर लेता है, जरूर ट्राई करके चलिएगा। वही बात करते हैं
गोरखे की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक एक मुकाबला खेला है, 22 रन है, 22 का एवरेज, एक विकेट है, तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन से बेटर पिक देखने को मिल रहा है, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। यहाँ पर बात की जाए नितिन बाबू की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने देख सकते हो अभी तक 2 मुकाबले खेले, 1 रन बनाया, 1 का एवरेज स्कोर है, 2 विकेट मुझसे ले जा चुकी, तो बॉलिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेक्शन से कुछ खास परफॉर्मेंस का रहा नहीं है। वहाँ पर बात करते हैं अल अमीन अब्दुल की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने देख सकते हो 2 मुकाबले खेले हैं और बात की जाए तो 3 रन किए, 3 के एवरेज से, ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता। नीचे बात करते हैं आपको देखने को मलिन पोडगर का कुछ स्टेट मिला नहीं, तो मैं आपको टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर इनका स्टेट मिलता है। सुजेश अप्पू ये इस टीम की कैप्टनशिप निभा रहे हैं दोस्तों, तो बेटर बॉलर है, जरूर ट्राई करके चलेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2 मुकाबलों में 2 विकेट मुश्किल ले जा चुके हैं, तो 2 ओवर की कंफर्मली बॉलिंग करवाते नजर आएंगे, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे बात करते हैं शरद बाबू की बात की जाए दोस्तों, तो आपको देखने को मिल रहा है इनका 2 मुकाबलों में 1 विकेट मुश्किल, ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग के हिसाब से थोड़े रिस्की लग रहे हैं। वही बात करते हैं अखल रहमान की बात की जाए तो इनका स्टेट मुझे मिला नहीं, टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ। आशिफ शाह की बात की जाए 2 मुकाबलों में 1 विकेट मुश्किल, ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन सिंपल के लिए बात की जाए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए नहीं ग्रैंड लीग के लिए रहने वाले आसिफ शाह। नीचे बात करते हैं यहाँ पर जस्टिन संजू, तो बात की जाए तो 2 मुकाबलों में 0 विकेट, इनको बॉलिंग ही नहीं मिली थी दोस्तों, ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता। मोस्ट पिक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से नीचे से देख चलते दोस्तों, मोस्ट पिक की हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे मिल्टन डेउज़ा, अगर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए बेटर ऑप्शन रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बात करते हैं उन्होंने 8 मैचों में 98 रन बनाए थे, 12 का इनका एवरेज स्कोर था और 4 विकेट मुश्किल ले जा चुके हैं। वही बात करते हैं संदीप शाली कुमार की बात की जाए तो 8 मुकाबलों में 57 रन और 11 का एवरेज स्कोर देखने को मिला है, 8 विकेट मुश्किल ले जा चुके, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही सेंथिल राज की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले, 90 रन बनाए हैं और 18 का एवरेज स्कोर है, 3 विकेट मुश्किल ले जा चुके, जरूर ट्राई कर सकते कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए। नीचे बात करते हैं आजिश अंटोनी की बात की जाए दोस्तों, तो आपको नहीं कहा आप बॉलिंग ऑर्डर से काफ़ी अच्छे लगेंगे, बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं लेकिन बॉलिंग ऑर्डर से काफ़ी अच्छे रहेंगे दोस्तों। वही बात करते हैं इंडिका परेरा की बात की जाए दोस्तों, तो आपके लिए बैटिंग ऑप्शन से बेटर पिक लग रहा है लेकिन एवरेज स्कोर भी काफ़ी कम है, तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता, स्मॉल लीग के साथ ट्राई कर सकते हो, करने में थोड़े रिस्की रहेंगे। वही बात की जाए शाम्बुल की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक देख सकते हो उन्होंने 2 मुकाबले खेले, 2 में 37 रन बना चुके दोस्तों, आपके लिए बेटर पिक बन सकते, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि हार्ड हिटर बैटमैन है दोस्तों। वही बात की जाए बसिल गोरखे की बात करते हैं, तो इन्होंने 1 मुकाबला खेला है, 22 रन किए हैं, 22 का एवरेज है और 1 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सिंपली ड्रॉप भी करके चल सकते हो दोस्तों। इसी के साथ वीडियो का सारा एनालिसिस यहीं पर खत्म होता है, चलते हमारे डेमो टीम की ओर जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो में आ जाओ, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम से मैंने सिंपल यहाँ पर टीम पहले से क्रिएट करके रखी, तो आपको मोस्टली यहाँ पर दिखाने लाया हूँ। बात करते हैं दोस्तों ए दिलीप आपके लिए बेटर पिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस राज और नीचे से बात की जाए तो जी जुटिन में से कौन खेलता है वो पता नहीं, अगर पता चलता है तो आप मोस्टली यहाँ से एस दिलीप अगर यस राज अगर खेलते दोस्तों मुझे आप दिलीप को ड्रॉप करके चल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इनके साथ ही जाना चाहता हूँ, तो आपके लिए बेटर पिक रहेंगे दोस्तों, आपको चाहो तो यस राज के साथ भी जा सकते हो। बात की जाए बैटिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर टी परेरा, बात करते हैं इनकी तालीन परेरा की बात की जाए दोस्तों, आपके लिए बेटर पिक बन सकते हो, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि ये प्लेयर है ना दोस्तों जो आपको ओपनिंग भी करते हुए नजर आएगा और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएगा। वही बात करते हैं यस शांति स्टार्ट की, इनकी बात की जाए दोस्तों, तो आपको बॉलिंग ऑर्डर से भी बैटिंग ऑर्डर से भी पॉइंट दे सकते हो, जरूर ट्राई करके चलेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेटर चॉइस रहेंगे। वही बी गोरखे की बात की जाए दोस्तों, तो आपको बैटिंग ऑर्डर से कंफर्मली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे से अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो मैं आपको इनके स्टेट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ, जो कुछ भी नया प्लेयर खेलेगा उसके। तो बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे जी, जो आपके प्लेयर का वर्ल्ड क्लास है प्लेयर, जरूर ट्राई करके चलेगा, बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा दोस्तों। वही बात करते हैं एम मोहम्मद रफर की बात की जाए तो आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिफरेंट पिक रखा है जे जो आप अगर खेलते तो ट्राई करके जरूर चलिएगा दोस्तों, क्योंकि स्मॉल लीग के लिए बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि आपको वन साइडेड विन करवा सकते हैं। इनकी बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी मतलब ऊपर ही करवाते हुए नजर आएंगे दोस्तों। वही बात की जाए एस बाबू भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग ऑर्डर से आपको पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। नीचे बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर से मैं सिंपल यहाँ पर एस अप्पू के साथ जाना चाहूँगा, एन बाबू के साथ जाना चाहूँगा, नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये शाह देखने को आपको बेटर देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे से बात की जाए तो जे संजू का भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन सिंपल आपको यहाँ से एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ए एंटोनी का भी बेटर ऑप्शन है दोस्तों, ए एंटोनी भी बेटर प्लेयर है, लेकिन अगर बात की जाए तो इनकी बॉलिंग कंफर्म मिलती है या नहीं वो बात मुझे पता नहीं है अभी तक, आपको मिलती है तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा के देने वाले सब प्लेयर के स्टेट। तो चलिए दोस्तों इसके साथ सारा का सारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।